प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन नंबर 41 है। प्रॉब्लम को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, समझने की कोशिश करना। आपसे कह रहा है अ रिटार्डिंग फोर्स इज अप्लाइड टू स्टॉप अ मोटर कार। एक मोटर कार को रोकने के लिए रिटार्डिंग फोर्स लगाया। इफ द स्पीड ऑफ द मोटर कार इज डबल, अगर मोटर कार की स्पीड को डबल कर दिया जाए तो हमसे कह रहा हाउ मच मोर डिस्टेंस विल इट कवर बिफोर स्टॉपिंग अंडर द सेम रिटार्डिंग फोर्स। तो हमसे ये कह रहा है कि उसी रिटार्डिंग फोर्स के थ्रू आप ये बताओ कि अब ये कितना ज़्यादा और डिस्टेंस चल सकती है। तो यहाँ पर दो कंडीशन है, दो कंडीशन मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। पहली कंडीशन ये है कि ये मोटर कार है, इस पर एक इसका खुद का काइनेटिक एनर्जी इस तरफ को है हाफ एम वी स्क्वायर, और इस पर एक रिटार्डिंग फोर्स लग रहा, रिटार्डिंग फोर्स एफ लग रहा ताकि इसकी मोशन को कम कर सके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे कह रहा है कि लेट अस सपोज कि इसने इस कंडीशन में एस डिस्टेंस कवर किया, तो अब यही आपको फोर्स लगवाना है रिटार्डिंग फोर्स एफ। लेकिन इस बार जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो जस्ट डबल है। डबल का मतलब ये है, आप इसको ऐसा कर दो, हमसे यही कह रहा ना, इफ़ द स्पीड ऑफ द मोटर कार, सॉरी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी डबल नहीं है, स्पीड ऑफ द मोटर कार डबल है, तो आपको स्पीड को डबल कर देना है। तो जब डबल करोगे तो ये हो जाएगा हाफ एम फोर वी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा फोर इंटू हाफ एम वी स्क्वायर। मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी वो पहले वाले की चार गुना हो जाएगी। ये तो आपको क्लियर है। तो यहाँ आपसे कह रहा है कि इस पर आप अब भी उतना ही रिटार्डिंग फोर्स लगा रहे हो, तो इस केस में बताओ कि ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो आप कर लोगे, बड़े सिंपल सा केस बन गया अब आपके सामने। ये आप कहोगे जो भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है वो वर्क डन के बराबर होगा, मतलब इस पर जो रिटार्डिंग फोर्स वर्क करेगा उसके बराबर। तो आप कह दोगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो होगा वर्क डन अगेंस्ट काइनेटिक एनर्जी बाई रिटार्डिंग फोर्स, दैट इज एफ इन टू एस। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये कितना हुआ है, ये हो गया है फोर, फोर का चेंज आया है, फोर काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आया है वो फोर का आ चुका है। तो यहाँ पर आप ये भी देख लो, या फिर एक काम कर लो, काइनेटिक एनर्जी में चेंज इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया हाफ एम वी स्क्वायर का, हाफ एम वी स्क्वायर का, क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स लग रहा था इसको रोकने के लिए, वी वेलोसिटी को ख़त्म करने के लिए। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा एफ इंटू एस, इक्वेशन नंबर वन। अब क्या है, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी बढ़ाने की वजह से, वेलोसिटी डबल करने की वजह से फोर टाइम्स हो चुकी है। तो यहाँ पर आप कह दोगे फोर इंटू हाफ एम वी स्क्वायर। इस केस में रिटार्डिंग फोर्स अब भी ऐसा है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो ये इक्वेशन हो जाएगी टू, इन दोनों को ही डिवाइड कर दो। जब आप डिवाइड करोगे तो हाफ एम वी स्क्वायर से हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ से वन अपॉन फोर बचेगा, एफ से एफ, यहाँ से हो जाएगा एस अपॉन एस डैश। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एस डैश इज इक्वल टू हो जाएगा फोर एस। तो आपसे यही पूछा था कि बताओ नई डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी बॉडी, तो ये फोर टाइम्स करेगी जस्ट इनिशियल वाले केस में। पहले वाले केस में अगर एस कर रही है तो दूसरे वाले केस में फोर एस करेगी। ये हमारे इस क्वेश्चन का जवाब था। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। स्टिल डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, मज़ा आ गया तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।